नाम लिया, बस वो अपने आप में सफिशियंट था, क्योंकि उनको ऐसा कोई शख्स नहीं है उत्तराखंड में, देहरादून में, या आप लगा लो जो भी पुराने क्रिकेटर है, कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो उनको नहीं जानता। तो उनका नाम लेने भर से ही सब लोग एग्री हो गए और किसी ने भी इसको इंकार नहीं किया, चाहे वो CA हो, डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन हो, बाकी हम लोग सब तो है ही, सबने बहुत ही खुले दिल से और बहुत ही इसको अपना मान के कि हमारे ही फैमिली का कोई मेंबर है जिसको ज़रूरत है आज हमारी, बिल्कुल सपोर्ट में आके आए। और आप देखिए 3 लाख रुपए से ज़्यादा इकट्ठे हो चुके हैं, CA ने भी उनकी मदद की है, और बाकी डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन ने, हमारे पुराने क्रिकेटर्स ने, कोचेज ने, क्रिकेट प्रेमियों ने, मतलब आप किसका नाम ले, सभी ने इनकी मदद की है। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि आज वो सपना जो हम सब ने मिलके करीब 4-5 महीने पहले देखा था, आज ग्राउंड में आपके सामने साकार हो रहा है। और क्रिकेट की फील्ड के बाहर जो हमने ये खेल खेला, एक अच्छे कॉज के लिए खेला, और हमें बड़ी खुशी है कि वो सफल हुआ और इसके सभी मैन ऑफ द मैच है। संदीप सर, मुझे लगता है कि इस बहाने से हमारी एक अप्रत्यक्ष एसोसिएशन बन चुकी है जो कि दिलों से जुड़ी हुई है। जो ग्राउंड में हम एक एग्रेसिव खेलते थे, दोस्त हम बाहर है ग्राउंड के बाहर, दोस्त ग्राउंड के अंदर हम दोस्त नहीं है, ग्राउंड के अंदर हम पूरे इंडिया पाकिस्तान की तरह खेलेंगे, आप देखना। थैंक यू वेरी मच। और बात सिर्फ मनी कंट्रीब्यूशन की नहीं थी, चैरिटी मैच की नहीं थी, लेकिन एक सोच और एक उदाहरण जो आपने पेश किया उसके लिए सर आपने। बढ़िया शॉट, चैनल संदेह रजत, अब आपसे जानना चाहूंगा ओवर और स्कोर में क्या देखेंगे, इस मैच की काफी कुछ जानकारी मिलेगी। ये बॉल थोड़ा वैसी, हाँ मुझे तो लगा कि शायद फाइन लेग की तरफ आएगा बॉल, लेकिन नहीं, संबोलिंग एंड अंपायर वैभव भारद्वाज, जो हमारे स्ट्राइकर अंपायर हैं अंपायर सत्य सिंह, साथ ही रजत का भी बहुत बहुत धन्यवाद मैं दूंगा इस संदीप गुप्ता जी के लिए। देखिए यहां बिल्कुल बढ़िया शॉट, निकलती हुई गेंद, बढ़िया रन आ गया। सौ रन कंप्लीट हुए यहां पे, सौ रन, 101 रन का टारगेट। संदीप सर, आप संतुष्ट हैं स्कोर से? जानते हैं दाताराम बूढ़ा कोटी और खतरे का सबब बन सकते हैं बल्लेबाजी वाली टीम के लिए,
और निश्चित तौर पर देखना होगा क्योंकि टच में है। बिल्कुल बढ़िया गेंद और उसको ड्राइव करना चाहते थे, हालांकि फील्डर मौजूद वहां पर, कोई रन नहीं। बढ़िया गेंद, रक्षात्मक तरीके से खेला, कोई रन नहीं। बढ़िया गेंदबाजी, बढ़िया पंच वहां पे, फील्डर मौजूद, रन लेना चाहते थे, बढ़िया फील्डिंग, और यहां पे खतरा हो सकता था लेकिन वापस आए। लेकिन हुए हैं वो बेहतरीन खिलाड़ी हैं अपने समय के, तो बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हैं। दोनों साइड आपने मैच में एक बात नोटिस की होगी, व्हाइट बॉल का इशारा फिलहाल अंपायर का, दोनों टीमों की फील्डिंग में आपने एक कॉमन बात नोटिस की होगी परेश भाई, कि थ्रोज जो हैं मैक्सिमम वो अंडर आर्म आ रहे हैं। चालीस रन संख्या दो विकेट के नुकसान पे, तो बिल्कुल नेक टू नेक होने की उम्मीद इस मैच की, और अपने अंतिम क्षणों में एक बेहतरीन स्टेज में होगा ये मैच ऐसी उम्मीद। संजय रावत ने पहले ही ओवर में एक बेहतरीन बल्लेबाज सुमित डोभाल को किया है चलता, बड़ी विकेट निकाली है, नए बैट्समैन के रूप में गए हैं नितिन पुंडी। 90 भाई हमेशा 90 रन बनाते हैं, T20 फॉर्मेट पे मुकाबला होगा। ये बॉल बढ़िया तरीके, स्वीट टाइमिंग, कितना बेहतरीन टाइम कैप की बार बॉल को, निकलते भी बॉल इधर अंपायर का इशारा आता हुआ चार रन का। छोटा बॉल, थोड़ा टर्न हुआ, उन साइड में खेल दिया, स्क्वायर लेग में डीप में खिलाड़ी मौजूद संजय सिंह, एक कैच भी पकड़ चुके हैं, एक कैच संजय सिंह ने पकड़ा, एक सुनील चौहान। फुल लेंथ का गेंद, अब की बार हवाई फायर करवाई बॉल को, अंपायर का इशारा। फिनिश लाइन के 50 रन पूरे हो चुके हैं, बढ़िया, यहां पे दौड़ लगानी पड़ेगी संजय रावत को, हालांकि सिंह साहब मात्र 43 भी कहा जाए। गुप्ता जी फिलहाल गेंदबाजी के आक्रमण पे आए हैं, अभी वेटन कप में देखा था, वेटन कप में अच्छी गेंदबाजी की थी, अब यहां पे देखना है कि क्या कुछ गेंदबाजी करते हैं। स्पिनर हैं और सामने हैं उनके आनंद बटौनी, फेस कर रहे हैं उनकी गेंदबाजी को, स्पिनर हैं, विकेट के पीछे विकेट कीपिंग में है अवनीश वर्मा। पहला बॉल छोटा किया, शॉट खेल दिया, पीछे खिलाड़ी मौजूद है राकेश नेगी। ओ यहां पे स्वीकृति मिल चुकी है और निकला है विकेट, संदीप गुप्ता सर को अपने पहले ही ओवर में विकेट मिला है नितिन 90 भाई का। अब मैदान के अंदर एक इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी, बहुत ज्यादा सेवाएं दी हैं एक खिलाड़ी के तौर पे, सात ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 61 रन, तीन ओवर में रन चाहिए 40, यानी कि 18 बॉलों पे 40 रन की आवश्यकता है। संजय रावत, छोटा बॉल सर के ऊपर से निकला कवर से एरिया में, डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ निकलती हुई बॉल, लीजिए साहब संजय रावत ने ब्रेक थ्रू दिला दी है। 16 बॉल 36 रन, आनंद बटौनी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन यहां पे उनकी बल्लेबाजी की आवश्यकता थी, आउट होके निकले हैं, बेहतरीन खिलाड़ी रहे हैं अपने समय के। बढ़िया पुल करके खेल दिया हवा में, उसके बाद बॉल, हालांकि मुझे लग रहा कि बिल्कुल सेव हो चुकी है। ओहो लीजिए साहब, आनंद थापा चलते बने, क्लीन बोल्ड, राकेश नेगी को मिली है विकेट। सचिन कुमार क्रिकेट की दुनिया में सचिन टिचकुले के नाम से काफी प्रसिद्ध हैं, उतने फेमस अक्षय कुमार नहीं हुए सचिन टिचकुले के नाम से जितने सचिन कुमार हुए हैं। स-
संदीप गुप्ता जी आए हैं अंतिम ओवर करने के लिए और दूर वाली छोर से गेंदबाजी प्रारंभ की, विकेट भी अभी तक ये आपकी बार थोड़ा लेग स्टिक की ओर आई गेंद, बड़ी शॉट लगाने का प्रयास नीरज बागड़ी का। सोच रहा हूं मनीष गुरंग भाई साहब हैं वो किस टीम की तरफ होंगे। सेफ हैंड में जाती भी बॉल और यहां पे विकेट निकली है। गुप्ता जी को यह दूसरी विकेट की सफलता प्राप्त हुई है। प्रवेश वैद्य गए हैं, निकल आए शॉट को खेलने के लिए मल्ला साहब, लेकिन फिलहाल परिणाम आया ना उनके पक्ष में, इरादे स्पष्ट थे। प्रेम कुमार जी भी आ चुके हैं ईगल क्लब से, निकल गया शॉट, अच्छा था आपकी बात। जिनको कि बचपन से मैंने क्रिकेट खेलते हुए देखा है, बहुत बेहतरीन गेंदबाज हैं, बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं, परफेक्ट ऑलराउंडर की तरह अब एक प्रशिक्षक के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं ईगल क्लब को। अब यहां पे मैच फिलहाल समाप्त हुआ, गुरिंग 11 ने यह मुकाबला जीता है, 20 रनों के अंतराल से यह मुकाबला जीता है, लेकिन वास्तविक जीत हुई है क्रिकेट की। और एक बार पुनः इस जीत और हार के साथ हम पुनः से बधाइयां देना चाहेंगे मनीष भाई जी को, उनके जन्मदिन की हमारी शुभकामनाएं मनीष गुरंग जी के लिए। और यहां पे गुरंग 11 ने यह मुकाबला जीता है 20 रनों से, लेकिन मनीष 11 और गुरंग 11 दोनों ही टीमों के लिए हम हार्दिक बधाइयां देना चाहेंगे इस बेहतरीन मैच खेलने के लिए। मनोज रावत जी का भी विशेष विशेष धन्यवाद हम देना चाहेंगे, बहुत बड़ा योगदान रहता है क्रिकेट में मनोज रावत जी का। और अब मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। मुझे लगता है यहाँ पे परफॉर्मेंस हर कोई करना चाहेगा, तो मुझे लगता है कि मुझे तो कोई 19 नहीं दिख रही, मुझे कोई 20 नहीं दिख रही, मुझे दोनों ही टीमें 21 नजर आ रही हैं, और बाकी तो मैच के अंदर की वाली बात है, देखें कौन सी चीज कैसे क्लिक करती है। लेकिन कुल मिला के इस चीज की तो मैं सियोरिटी लेने को तैयार हूँ राहिल भाई कि मैच में मजा आने वाला है। बल्ले का फेस खोल दिया था आपकी बार। शिवेंद्र रावत हैं गेंदबाज, ये भी कोच हैं शिवेंद्र रावत। लीजिए साहब विकेट यहां पे निकला है, या कुछ चीजें आपको समान भी लगती है दोनों जगह? देखिए ये बहुत दोनों ही चीज लोकप्रिय हैं, लेकिन कहते हैं कि एक्टर्स आपको ज्यादा मिल जाएंगे, लेकिन जो इंडिया टीम में 11 लोग खेल रहे होते हैं वो इतनी बड़ी आबादी से निकल के आते हैं, तो उन्होंने बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत करी होती है, अपने पसीने को खून को दोनों को बहाया होता है। भगवान जो सच्ची नहीं है और वही रहेंगे, और सच में उनको बचपन में जब हम देखते थे तो खाली एक ही सवाल होता था कि, और काफ़ी शानदार बॉल और डिफेंस किया इस बारे में। संदेह क्रिकेट में पार्टनरशिप का बहुत बड़ा रोल है। सनी ठाकुर आए हैं फिलहाल बल्लेबाजी करने के लिए, पहली दो गेंदें जिस कॉन्फिडेंस के साथ डिफेंस की हैं। सचिन सैनी आए हैं गेंदबाजी के आक्रमण में स्पिनर बन के, ये बॉल अच्छी शॉट, रवि बिष्ट हैं, और ये बॉल निकली है बड़े प्यार से आराम से चार रन के लिए। बढ़िया शॉट, ये भी निकल चुकी है बॉल चार रन के लिए। आदमी बहुत अच्छे हैं शक्ति भाई, नाराज हो जाते हैं मुझसे, बोलते मुझे आदमी क्यों कहता है। और मैं सबके सिंह वाले जो उनका आप टूर्नामेंट करवाते हैं और काफी सालों से करवा रहे हैं, तो इस बार आप उसका आयोजन कब करने की सोच रहे हैं? क्योंकि मैं तो बहुत उत्साहित हूँ।
शानदार चार रन जी हाँ करता हूं मैं। मनीष गुरंग जी से अपील करना चाहूंगा, क्या संदीप गुप्ता जी जो हैं उनसे भी अनुरोध। शॉट डीप में खिलाड़ी, तो एक मैच हो चुका है, एक चल रहा है, संतुष्टि है आज। थैंक यू उपेंद्र भाई, एक बार मैच जरूर खेलें तो आगे चल रही है प्लानिंग और जल्दी ही वो मैच होने वाले हैं। आप एक क्रिकेट के खिलाड़ी तुम ही एक एक्टर भी हैं आप, और अब आयोजन में भी अपनी बहुत बढ़िया भूमिका निभा रहे हैं। बढ़िया शॉट देखे खिलाड़ी के पास, मौका है क्या जी, पैर का प्रयोग से क्या उन्होंने। अब यहाँ पे अंपायर सैम इकोनॉमी है उनकी गेंदबाजी में, कम दस्ती आएंगे। बड़ी शॉट लगाने का प्रयास, जी हाँ अपील हुई है स्वीकार और बैट्समैन को आना होगा बाहर। परवेज सेमवाल, देखिए परवेज सेमवाल ग्राउंड के अंदर रहकर समय व्यतीत नहीं करते, या तो आउट होते हैं या फिर रन बनाते हैं, और यही तरीका है उनकी बल्लेबाजी का। देखा कि कुछ ओवर से रन नहीं आ रहे हैं उस तरीके के जो चाहिए थे उनके, तो बड़े स्ट्रोक को खेलने का प्रयास किया क्योंकि मजे हुए गेंदबाज हैं, तो चलते बने विकेट नंबर दो। और आगे बढ़ के खेल दिया है, और क्या एक कैच कर पाएंगे, जी नहीं, और ये शानदार 6 रन। ठाकुर को शुरुआत करनी होगी फिलहाल। दीपक मधवाल, और ये दीपक मधवाल का स्वागत हुआ है स्वैग के साथ, 4 रन फिलहाल यहां। छोटा डाला बॉल लगातार एक लेंथ पे, शिवेंद्र है मौजूद, स्क्वायर लेग में खराब फील्डिंग, बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर, और एक और शॉट घुमा के मार दिया, फील्डर मौजूद है लेकिन, और जी हाँ यहाँ पर शायद बचा दिया उन्होंने, 4 रन का दिया। और सन्नी के 50 हो चुके हैं, सन्नी ठाकुर बेहतरीन बल्लेबाजी, और 50 रन साहब, वेल डन ब्रो, नाइस प्ले। शिविंदर रावत बिल्कुल सीधे में फीड कर रहे हैं, अब यहाँ पे बल्लेबाजी देखनी होगी सन्नी ठाकुर की, आंखें पूरी तरीके से जम चुकी हैं। दीपक मधवाल ये बेहतरीन था, अमन अमन बोरा, आओ बढ़िया पलटाया आपकी बार गेंद को, मात्र दिशा दी, आदेश दिया कि आप बाउंड्री लाइन के बाहर होके आइए गेंद को, 4 रन। हवा में बॉल, और ओ माय गॉड, यहां पे विकेट हो सकता था लेकिन हुआ नहीं, तो बेहतरीन टूर्नामेंट, बेहतरीन मुकाबले। एक बार पुनः हम विशेष धन्यवाद देना चाहेंगे संदीप गुप्ता जी का। छोटा बॉल गैप में निकली बॉल, और निकला है बॉल 4 रन के लिए। ये बॉल बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में, नजाकत के साथ बॉल को खेला, मैदान का लंबा एरिया, फाइन लग के रीजन। ये बॉल अब की बार स्वीकृति मिली है, वैभव भारद्वाज को आना होगा वापस। 16 रन बनाए, 12 बॉलों का सामना किया है मुकेश कुमार। लीजिए साहब विकेट निकाली है यहाँ पे, और यहाँ पे विकेट निकालने का मतलब है कि आप बॉल को भी डॉट कर रहे हैं। यहाँ पे हैट्रिक लगाते हैं दीपक मधवाल, तो घोषणा की है साकाल ने, उनकी ओर से उनको गले लगाया जाएगा। मधवाल जी गले पड़ने के लिए तैयार नहीं है। आहा ये डिफेंसिव, ये एक्चुअली हैट्रिक बचाने के लिए शॉट को खेला उन्होंने, को निकाल डाला तो लाइव कहां से फिर जिंगा लाला। ये निकली है बॉल हवा में, झाड़ जंगल में गई, 6 143 रन। ट्रम को पकड़ के गेंदबाजी कर रहे हैं, स्पाइक के साथ विकेट के पीछे भी कलेक्शन, वाह अच्छी बॉल,
रन फिलहाल नहीं, पहली गेंद पे खाता खुला था दीपक मधवाल का और टीम का भी, उसके बाद थोड़ा संघर्ष करते हुए यहाँ पे शिवेंदर। धीमा छोड़ा बॉल नीचे खिलाड़ी किरण सिंह और इसके साथ ही शिवेंदर लगातार डॉट बॉल से परेशान हो रहे थे, निजात पाने के लिए एक बड़ी शॉट के लिए और अपनी विकेट गंवाई इन्होंने। अपनों सभी खिलाड़ियों का हम आभार व्यक्त करते हैं। ये बढ़िया भाई, फील्ड हुई नहीं पाई और यहाँ पे वैभव भारद्वाज गेंद के पीछे पड़ गए हम, और इससे पहले कंफ्यूजन क्रिएट होता हुआ स्टंप पे जाके लगी और सवाल नहीं क्या मिसफील्ड हुई थी मुकेश के द्वारा, लेकिन यहाँ पे एक विकेट बस होते होते रह गया, यानी कि सफलता हाथ लगी लेकिन मुंह नहीं लगी। खिलाड़ी ही अपने समय के, बढ़िया शॉट, व्हाट अ शॉट, दीपक मधवाल ऑन अ फायर, क्या बेहतरीन, क्या लाजवाब दीपक मधवाल। फिर से छोटा बॉल, वही बॉल, वही शॉट, क्या परिणाम भी वही निकलेगा, गेंद निकल रही है, सन्नी पीछे है लेकिन टच तो कर दिया रोको। श्रीमान जोत सिंह गुनसोला जी की गर्मा में उपस्थिति हमारे बीच हो चुकी है। ठीक उनके पीछे अजय पांडे जी और के लिए उनका उनका बॉल अंदर की ओर आता है, जो ऑफ ट्रैक वो गेंदबाजी करते हैं, वो लेग स्पिन हो जाएगी, थोड़ा कठिनाई हो सकती है बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए, लेकिन फिलहाल यहां पे कोई कठिनाई नहीं हुई फाइनल स्क्वायर लग के रीजन में गेंद को खेलने के लिए और बॉल निकल गई सीमा रेखा के बाहर। जसमोला ने खाता खोला अपने एक रन के साथ, 44 रन, 7 ओवर की समाप्ति के बाद 44 रन टीम का स्कोर है स्कोर बोर्ड के ऊपर। तो फिर से हम स्वागत करते हैं बड़े भाई मनीष गुरंग जी के पूरे परिवार का, आपने अपना समय निकाल के इस मैदान पे आप आए हैं, आप सभी का स्वागत अभिनंदन करती है पूरी उत्तराखंड की क्रिकेट बिरादरी। ये बॉल अच्छी गेंद, शॉट बढ़िया, जैसा कि मैं कह रहा हूं कि गति लगातार आज दे रहे हैं मुकेश कुमार अपनी गेंदबाजी में, आमतौर पे देखता नहीं उनके गेंद में वो गति देते, वो जब उन्होंने डिपार्टमेंट क्रिकेट में डेब्यू भी किया था एज ए स्पिनर ही टीम में आए थे, उसके बाद उनकी बल्लेबाजी अच्छी होती रही, कुछ प्रमोट होते रहे वो अपनी बल्लेबाजी में, आज थोड़ा गेंद को गति देने के मोड में है मुकेश कुमार। संजीव जखमोला सामना करेंगे, ये डाला उन्होंने शॉट बहुत बेहतरीन, स्लॉट में बॉल था और अब प्लॉट में पहुंच गया। दीपक मधवाल के आउट होने के बाद रन गति पे धीमा पनाने नहीं दिया, जो भी शॉट खेले हैं सुनील भाई सब सिलेक्टेड शॉट हैं, मजा आ रहा है शॉट को देखने में। ये फ्रंट फुट पे आए, गेंद की लाइन को पिक किया, समझदारी बड़ी बल्लेबाजी है और इसके साथ वो बस समाप्त हुआ 61 रन होंगे रजत। अरे भैया वाह, बीच में आए लेकिन गति अच्छी इनमें। बढ़िया पैड लाइन पे बॉल उछले जरूर, चले हैं और छोटा बॉल और यहां पे क्लीन बोर्ड कर लिया, गति बेहतरीन, बॉल अच्छी। अमन गए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, बिल्कुल अगर पीछे से उनको देखें तो ऐसा लगता है कोई दाढ़ी वाली लड़की होगी, वो हेयर स्टाइल है उनका। ये बेहतरीन फाइन के रीजन में गई बॉल, पीछा जरूर जा रही है लेकिन
चार रन का इशारा। बढ़िया भाई, बेहतरीन ऊंचा लंबर, खूबसूरत। लीजिए साहब एक बार फिर से, अच्छा पटाखा था ये। फील्डर मौजूद जरूर हैं, लेकिन यहां पे वैभव भारद्वाज हैं क्षेत्र रक्षक, लेकिन बल्लेबाज ने अपने इरादों को स्पष्ट किया। बढ़िया, आराम से, बहुत बढ़िया भाई। ऐसा नहीं कि पूरी ताकत के साथ खेले, नजाकत भी है उनमें। बढ़िया, वाह, कमाल की बल्लेबाजी, बहुत ही बेहतरीन। मैच को यादगार बनाते हुए ये मैच काफी। लीजिए साहब क्लीन बॉल कर लिया, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। सचिन ने यहां पे विकेट निकाली है, अच्छी बल्लेबाजी की, इंटरटेनमेंटफुल बल्लेबाजी उन्होंने की, और आउट होके पवेलियन लौटते हुए मनबोरा अच्छी बल्लेबाजी की। सिक्स तो बहुत ही बेहतरीन मारा, दो सिक्स लाजवाब, ताकत के भी हाथ पे ताकत दिखाई बाजुओं की उन्होंने। कुछ धीमा छोड़ा बॉल, अच्छी शॉट, खिलाड़ी मौजूद है रंजीत, रंजीत ने आज अपनी फील्डिंग से अच्छा प्रभावित किया है। बढ़िया, बेहतरीन फ्लिक की आपकी बार, और पंकज बढ़िया चौका रोका उन्होंने, बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर जाने से रोकी, और दो रन तो हालांकि जरूर, लेकिन मुझे लगता है कि अभी क्योंकि मैच लगभग समाप्ति की कगार पे है, वैभव भारद्वाज ने अभी तक गेंदबाजी नहीं की है, वो डिजर्व करते थे, गति अच्छी है उनमें। लीजिए, ओहो अभी तक बढ़िया फील्डिंग कर रहे थे, लेकिन जैसे ही कैच आया उसको ड्रॉप कर, बोल लीजिए विकेट निकाल दी उन्होंने। बल्ला कुछ देर से आया और गेंद वेल्स को लेके चली गई। दिलजीत बहुत प्रभावशाली गेंदबाजी की है उन्होंने, प्रेम को गेंदबाजी करेंगे। पहला गेंद पुश किया, रन नहीं मिलेगा, बढ़िया फील्डिंग, बेहतरीन क्षेत्र रक्षण का प्रदर्शन। ज्ञापित करते हैं आपके लिए, और यहां पे देखिए बोल चौहान की बल्लेबाजी आखिर आई गई। दिलजीत ने तीन विकेटें प्राप्त की हैं दिलजीत ने, और कमाल की गेंदबाजी की है, बहुत ज्यादा क्रिकेट खेलते नहीं है, लेकिन जिसमें खेला उसी में अपना कहर भर पाया है, और सेट बैट्समैन रवि बिस्ट, अनुभवी बल्लेबाज रवि बिस्ट। ये दलजीत को विकेट मिलते मिलते रह गई। ग्राउंडमैन मैदान के अंदर पिच कवर को लेके, हाँ सही बात है, पिच कवर होगी इस बार, बरसात काफी लंबी हो गई है, लंबा समय हो गया है बरसात को। श्री मनीष गुरुंग के जो चैरिटी मैच है आज उसका यहाँ पर समापन हुआ, और हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि आज हमारे बीच हमारे पुरुषा जिनके शारदात ये मैच यहाँ पर रखा गया, उनका परिवार हमारे बीच उपस्थित है, तो मनीष गुरुंग और उनके परिवार का हम जोरदार ताली से स्वागत अभिनंदन और आभार प्रकट करते हैं। मैं संजीव गुप्ता जी से एक बार जोरदार ताली से स्वागत अभिनंदन और आभार।
और धन्यवाद शर्मा जी, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। ऑल रेस्पेक्टेड माय सीनियर्स, मेरे दोस्त, और आज जिसके लिए ये मैं हमने चैरिटी मैच रखा है, मनीष गुरुंग एंड फैमिली, यू कैन हेट हिम, यू कैन लव हिम, बट यू कान इग्नोर हिम। आज से लगभग चार पाँच महीने पहले आर्यन चेत्री क्रिकेट ग्राउंड में एक कोई टूर्नामेंट हो रहा था, मैंने वहाँ पे मनीष भाई को देखा, बहुत टाइम बाद देखा, और दिल में मैं बिल्कुल दिल की बात बताऊंगा आपको, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, दिल में एक पीड़ा सी हुई उनकी हालत देख के, उनकी तबीयत देख के पीड़ा सी हुई। और उसी क्षण मुझे ख्याल आया कि मनोज भाई से भी मैंने बात की थी कि यार ये तो गलत है, इतना महान हमारा खिलाड़ी, आपको सबको मालूम है, इसके बारे में बोलने की ज़रूरत नहीं है, उत्तराखंड में उसका वही मुकाम है जो हिंदुस्तान में सचिन तेंदुलकर का है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो हमने कहा कुछ अगर हम एक्स क्रिकेटर है, जो सीनियर क्रिकेटर है, जो पहले कभी खेलते थे इनके साथ, मैं तो बचपन से इनके साथ खेला हूँ और जिंदगी में सिर्फ एक बार आउट कर पाया हूँ इनको मसूरी में, और उसके बाद उसके अलावा मुझे इनका विकेट नहीं मिला, मुझे आज अभी भी याद है। तो हम कुछ कर सकते हैं, तो हमने ये सोचा कि क्यों ना हम कंट्रीब्यूट करके ऐसे खिलाड़ी के लिए जो हम सबकी प्रेरणा रहे हैं, जिनको देख के हम बड़े हुए हैं, जिनको देख के हमने क्रिकेट सीखा है, अगर हम कुछ कर सके तो ये ना सिर्फ उनकी हेल्थ के लिए बल्कि जो उनकी फैमिली, मेरे ख्याल से आज फर्स्ट टाइम वो मैदान में आए होंगे, उससे पहले कभी मुझे नहीं लगता इतने साल वो क्रिकेट खेले हैं, तो उनको भी लगना चाहिए कि क्रिकेट की वजह से सब कुछ गया है उनसे, उनको ये लगना चाहिए कि क्रिकेट की वजह से ही मनीष वापस आया है। ये थॉट लेके हमने एक ग्रुप बनाया, और अगर मैंने किसी को भी बोला तो सेकंड थॉट किसी के दिमाग में नहीं आई कि नहीं हमें ये काम नहीं करना है। पहली बार जिसने भी ये बात सुनी, नहीं वी आर विनिंग, बिना किसी संकोच के, बिना किसी थॉट के, एंड आई थिंक इट्स अ बिग थिंग। और आज ये चलता रहा, कोरोना हुआ, फिर बारिशें रही, फिर आज आखिरकार मौसम को भी हम पे दया आई, उसने उतना ही बारिश नहीं करी, हालांकि वर्मा जी बता रहे थे कि उस साइड बारिश हो रही थी, इधर बारिश नहीं, तो हमको भी एक मौका दिया कि ये आज ये नोबल का आज के दिन पूरा करो, और वो पूरा हुआ। मुझे आपको बताते हुए बड़ी खुशी हुई है कि पिछले जितने भी दिन ये मुहिम चली, लगभग 3 लाख रुपये से ज़्यादा हमने भाई के लिए जोड़े हैं। इसी बीच क्रिकेट एसोसिएशन उत्तराखंड ने भी आके इनकी भाई की मदद की, वो तो क्या बड़े हैं, करेंगे ही, उनकी तरफ से ऑलरेडी उनको 1 लाख रुपए मिल चुका है, और 1.5 मंत्रालय जी ने बताया कि आप उनको और मिलने वाला है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस अमाउंट से आप चेंज देख सकते हैं, आपने अगर 3-4 पहले मनीष गुरु को देखा होगा और आज देख लेंगे तो आपको काफ़ी चेंज लग रहा होगा, और भगवान करे आने वाले कुछ दिनों में ये बिल्कुल फिट हो जाए और किसी न किसी रूप में हमारे साथ फिर से जुड़े, मैदान में जुड़े, जिनकी बहुत ज़रूरत है हम लोगों को, हमको क्या, हमारी आने वाली पीढ़ी को इनकी बहुत ज़रूरत है, इसमें भी कोई डाउट नहीं। तो ये इस तरह से ये जर्नी शुरू हुई और आज इस मुकाम पे पहुंची है, और सारी फैमिली, हम सब फैमिली, हम साथ हैं और हम इनका सम्मान कर रहे हैं, ये हमारा सम्मान होगा। छोटा सा कंट्रीब्यूशन अगर बनी जैसे क्रिकेटर के लिए इसकी लाइफ में कुछ चेंजेस लेके आ सका या आप आया, तो समझ लीजिए हमारा प्रयास आज सार्थक हुआ, सफल हुआ। थैंक यू वेरी मच, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, और इस मुहिम को हम ऐसे ही आगे बढ़ाते रहेंगे। हमने बाद में ये डिसाइड किया है कि इस तरह से ही कभी किसी को कोई भी होता है, अगर किसी भी तरह की जरूरत है, अगर हम साथ मिल जाए, सब लोग पुराने क्रिकेटर साथ मिल जाए, क्योंकि हमारा और आपका संबंध सिर्फ क्रिकेट से ही है। अगर हम आज फील्ड में हैं तो क्रिकेट की वजह से, हम आज आप इतने दिनों बाद मिल रहे हैं तो सिर्फ क्रिकेट की वजह से मिल रहे हैं, वो भले हमारे आपस में कुछ भी डिफरेंसेस रहे हैं, कुछ भी चीज़ें रहे हैं, लेकिन क्रिकेट हमको हमेशा जोड़ के रखता है। और सबसे बड़ी खास बात, आज मनीष भी जीता और गुरुंग भी जीता, आज पूरा मनीष लेवल भी जीती और गुरुंग लेवल भी जीती, तो पूरा मनीष भाई आज जीता है। मैं आगे की कार्रवाई के लिए शर्मा जी को हैंड ओवर करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद महोदय। और एक बात मैं व्यक्तिगत तौर पर कहना चाहूँगा कि उत्तराखंड राज्य में जब से मान्यता मिली है, निश्चित तौर पर आप जब बाहर जाते हैं, किसी और स्टेट में जाते हैं, तो उत्तराखंड का नाम जब सुनाई देता है
अगर आप मुंबई में जाएंगे, आप कर्नाटक में जाएंगे, आप कहीं मध्य प्रदेश में आएंगे, पंजाब में जाएंगे, यहाँ तक कि मैं पिछले दिनों गोवा में और अंडमान में रहा, तो जब मैंने उनसे बोला कि भाई हम उत्तराखंड से हैं, तो बोलने लगे सर आपकी टीम, विशेषकर आपकी लड़कियों की टीम, और वो बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी, आने वाला समय आपके लिए जो है बहुत सुखद रहेगा। तो ऐसे कॉम्प्लीमेंट जब बाहर जाके मिलते हैं तो निश्चित तौर पर बहुत प्रसन्न होता है। ये मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा, आप सारे वरिष्ठ खिलाड़ी हैं और आपने अपना बहुत अच्छा प्रदर्शन भी किया है, आने वाले जो नौनिहाल हैं उनके अंदर मैं तीन चीज़ जरूर व्यक्तिगत तौर पर चाहूँगा कि आपको अपने खेल के लिए सबसे पहले जो है एक अनुशासन आपको बना के रखना पड़ेगा। जब आप किसी मैदान में जाते हैं, वहाँ पर आपका ट्रायल होता है, वहाँ पर आपका सिलेक्शन होता है, तो आप उसको सदैव देखिए, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, कोई भी खेल बैट और गेंद के साथ होने के बाद शाम को ख़त्म हो जाएगा, लेकिन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है वो हमेशा जिंदगी भर आपके साथ रहेगा, आप हमेशा कहलाए जाएंगे कि आप एक स्पोर्ट्समैन रहे हैं। देखिए मैच हारना और जीतना एक अलग चीज़ है, तो मैं ये निवेदन करूँगा कि आप इसको हमेशा अपनी स्पिरिट को बना के रखेंगे और आने वाला समय हमारे जो बच्चे हैं जो 10 साल 12 साल 15 साल 18 साल उनके लिए पूरा हिंदुस्तान खुला हुआ है, पूरा विश्व में उनको जगह बनाने के लिए जगह खुली हुई है। तो मैं इसके लिए क्रिकेट एसोसिएशन उत्तराखंड के अध्यक्ष जी हमारे पास मौजूद हैं, हमारे पुरोधा यहाँ पर मौजूद हैं, आप सब खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद हैं, मैं चाहूँगा एक बार इन सब के लिए जुड़ा तालमेल से। क्रिकेट के माध्यम से नहीं हो सकता कि एक आदमी अगर कभी कष्ट में आया तो पूरा उत्तराखंड, पूरा क्रिकेट एसोसिएशन और उत्तराखंड उनके सम्मान के लिए, उन्हें सहयोग देने के लिए आगे, मैं समझता हूँ इससे बड़े प्रेम और भाईचारे की कोई बात नहीं। मैं उनके परिवार में उनकी बेटी और उनकी वाइफ यहाँ पर आई हैं, हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि हमारे तुरंगी हमारे पुरोधा भी रहेंगे और जब ये ठीक होकर हमारे पास दोबारा मैदान में पहुँचेंगे तो आप ये मान के चले आपका इतना बड़ा परिवार है, आप अकेले नहीं हैं, मनीष जी अकेले नहीं हैं, आपका इतना बड़ा परिवार है, तो इनके लिए भी मैं चाहूँगा मुलाकात करने के लिए। तो मैं और अधिक समय नहीं दूंगा, मैं यहाँ पर विशेष तौर पर निवेदन करना चाहूँगा दो शख्स के लिए, क्योंकि आप अध्यक्ष हैं क्रिकेट एसोसिएशन उत्तराखंड के, आपके पास बहुत विजन है, आपके पास बहुत योजनाएं हैं, मैं चाहूँगा एक आशीर्वाद के लिए दो शख्स लेना चाहूँगा। Organizer this earth, Sandeep Dilma, और सारे पुराने खिलाड़ी और मिस्टर पी.सी. वर्मा जी, मेघवाल साहब, आरती शोहान और मनीष भाई और आपका परिवार और आप सभी खिलाड़ी, मैं आप सबकी ओर से मनीष भाई को जन्मदिन की मुबारकबाद देता हूँ और आप सबको बधाई देता हूँ कि आप लोगों ने दो मैच खेले और दोनों जीते, मनीष की और पुरंग की, ऐसा कम होता है, लेकिन मनीष पुरंग खुद में लकी है इसकी, हर तरह से उन्होंने वो लड़ाई भी जीती और खेल भी जीता और इन खिलाड़ियों का दिल भी जीता। जैसे गुप्ता जी ने बताया, हमारा कोई बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आपके लिए नहीं है, लेकिन हमारे दिल की दुआएं हैं कि आप जल्दी और स्वस्थ हों, ये तो एक जरिया है कि सब लोगों ने मिलकर एक राशि जो है उपलब्ध कराई कि भाई 3 लाख आपने ज़्यादा आपने कर दिया, और हम भी जब गवर्निंग बॉडी में हम बैठे हुए थे, ये मसला हमारे सामने आया कि क्रिकेट के खिलाड़ियों के लिए एक्स के लिए हम क्या कर सकते हैं, वर्तमान को तो हम देते हैं, सारी हेल्प देते हैं, उनको पूरा ट्रीटमेंट देते हैं, सारी चीज़ें देते हैं, लेकिन भाई अगर इस उत्तराखंड के पुराने कुछ एक्स खिलाड़ी हैं तो उनके लिए उनके सम्मान में हम क्या कर सकते हैं। तो जब आपकी बात आई मनीष भाई की, तो सभी गवर्निंग काउंसिल के लोगों ने एक मत से ये कहा कि ये
क्रिकेट एसोसिएशन उत्तराखंड को तय कर देना चाहिए कि इस केस में तो हम कर ही रहे हैं, तो हम ज़्यादा तो कुछ नहीं कर पाए क्योंकि हमारी सीमाएं भी बहुत ज़्यादा होती हैं। तो हमारे साथियों ने कहा कि हम 2.5 लाख रुपए का एक सहयोग राशि है भाई मनीष को दिया। सहयोग बस एक लाख पहले रिलीज हो गया और 1.5 लाख हम कल आपके जो है अकाउंट्स में जो है ट्रांसफर कर। मैं आपकी आपको इसलिए क्योंकि कोई ना कोई प्रेरणा स्रोत होता है, जैसे उत्तराखंड के अंदर इस राज्य को बनने से पहले एफिलिएशन से पहले और बाद कुछ नाम चर्चित हुए क्रिकेट के खिलाड़ियों, कुछ नाम चर्चित हुए तो जब सब का नाम लिया जाता तो एक नाम भूला नहीं जाता, पीसी वर्मा। अब पता नहीं क्यों क्या बात है, कुछ तो बात होगी क्यों आती भाई, कुछ तो बात होगी। तो ऐसे ही जो है इस पौध में जो सेकेंड रो की पौध है इसमें मनीष भाई का नाम भी इसी तरह से लिया जाता है कि प्रोदा के रूप में मनीष भाई हमारे बीच में हमारे प्रेरणा स्रोत। मैंने देखा था आपका भी खेल, लेकिन उस समय यूपी था, यूपी बड़ा था, नंबर नहीं पड़ता था, नहीं तो आपको तो इंडिया की टीम में आ ही जाना चाहिए, ऐसी बात नहीं। लेकिन फिर भी आज आपको तब खुशी होगी कि जब आपके इस उत्तराखंड की इस धरती से कुछ बच्चे इंडिया खेलेंगे, और एक बच्चा तो भाई अभी खेल ही रहा है भाई स्वरण का, अभिमन्यु के नाम से जिसकी अकेडमी है ना। तो इसी तरह से अगर स्क्वाड इंडिया के स्क्वाड में हमारे बच्चे आएंगे तो उन पर किसकी छत्र छाया होगी, आप सब जितने सीनियर क्रिकेटर हैं उनकी छत्र छाया होगी, उनको ही देख के तो वो आगे बढ़ेंगे। तो मैं अधिक न कहते हुए फिर एक बात आयोजक साथियों को, संदीप गुप्ता जी और उनके सभी सहयोगी साथियों को मैं साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि पहले तो भगवान किसी के ऊपर कोई विपता न डाले है ना, लेकिन कभी कोई ऐसी विपता कभी आम पड़े तो हम सब लोग कंधे से कंधा मिलाकर जो है उसके लिए खड़े हो सकते हैं, जहाँ पर भी जितनी भी सीमाओं के साथ। ये नहीं कहते हैं कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो भी कुछ है मॉरली उसको जो सपोर्ट दे सकते हैं, फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन खड़े हो सकते हैं, और खड़े होने का जज्बा हम सब में है तो कोई भी खिलाड़ी कभी परेशान नहीं होगा, ये हम आपको वादा करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद। ये कार्यक्रम इस बात के बिना नहीं पूरा हो सकता जिन्होंने इतना वैभव क्रिकेट के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है। मैं चाहूँगा अगर वो दो शब्द नहीं कहेंगे तो शायद नहीं होगी, मैं आपकी स्मृति आते प्रार्थना करूँगा, कृपया करके आप आएंगे दो शब्द। गुड इवनिंग एवरीबॉडी प्रेजेंट हियर, द डिग्निटी इज द डायस एंड माय फ्रेंड्स हु बी प्लेइंग क्रिकेट विद मी फॉर ऑल दीस इयर्स। यू नो व्हेन आई पुट माय सन इनटू क्रिकेट व्हेन ही वाज अबाउट 8 इयर्स ओल्ड, he was studying in St. Joseph's Academy that time, and I remember my son played one match with my dream man Manish. Manish might not remember it, but you know he was an icon of Uttarakhand, because before Uttarakhand it was anyway Uttar Pradesh, for reasons beyond our control this man could not play. I still remember we sent him to Chandigarh, which I don't think he remembers now. I was one of the persons who sent him to Chandigarh. The funding was done by me, and the erstwhile hamare mera dost Kaku was there. He was instrumental in sending him to Chandigarh to play matches there, and he played a lot there. When Sandeep Gupta came up and told me that they are holding a charity match here, I said, whatever you need from me, I am there for you all the time. Over the years, people know everyone here. But over the years, we must see that Cricket Association of Uttarakhand made a big effort. Even when the state was not there, to put our boys
on the national map. The efforts made by Mr. P.C. Verma in making this as 12th zone, Uttarakhand as 12th zone, and sending the boys here from here to play for UP, it's commendable. Now with the coming of the association, we people don't realize this. To put boys on Uttar Pradesh team from this place was not any easy. No, he tried his best. He went into the association at UPCA, and now where we are today, you can see. Lot of efforts are being made in bringing good cricket here. We are trying to organize the district league and all, wherein I am associated also indirectly. But before I end this, I would like to tell people here, Abhimanyu Cricket Academy has given 103 boys on the national map. Under 14, under 16, under 19, under 23 and Ranji Trophy. The players of this academy, we nurture them and put them back to the place where they are there. We have boys playing for Bengal, we have boys playing for Jharkhand, we have got boys playing for Madhya Pradesh, Jammu Kashmir, Himachal Pradesh, Uttar Pradesh, and two of our boys, one went on to play for Kenya, the other went on to play for Kuwait. See, we are doing a concerted effort. We got an indoor stadium, we got a gymnasium, we got a spa, we got auditorium. We take care of the boys all around. That's what it is. Had this been available at that time when Manish was in his peak, he would have been the captain of the Indian. I'm telling you that. I don't know, most of you have seen him playing, would have seen, he was a master of his class. Jatidhar bol ke sekra marte thi, ye thi humare yaan, ye humare yaan baby bhai sahab. Ye do aise aadmi thi, jo India khel sakte. But, durbhagya, chaliye koi baat nahi, ab ye kami hum, jo humare aane wali paud hai, wo puri kare. आकर जो हमें यहाँ पर सम्मान दिया है उसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहते हैं. हमारी बेटी भी यहाँ पर आई है और आपको भी मालूम हो चाहिए कि आपका इतना बड़ा यहाँ पर परिवार है. हम आपको और तो कुछ नहीं दे सकते लेकिन एक छोटी सी भेंट है, तो कोना लव है. हम जाएंगे बेटा, आप यहाँ पर आइए. और अब मैं यहाँ पर अपने पुरोधा अमनी जी और उनकी धर्मपत्नी आप दोनों को मैं चाहूँगा कृपा करके कुछ क्षण के लिए यहाँ पर आने का कोशिश करें. आपका भी हम सम्मान यहाँ पर करना चाहेंगे. कुछ क्षण और बाकी है लेकिन आज इस मैच को जब जीवंत बनाया. कई पुरोधा ऐसे हैं, अब जैसे हम, मैं चाहूँगा कि रवि बिष्ट शायद आज भी अंडर 19 में खेलने के लिए तैयार हैं. आपने देखा होगा कि मतलब एफर्टलेस खेला आज भी, तो इसका मतलब यह है कि अगर आप डिटरमाइंड हैं, आपका अनुशासन है, तो आपके लिए आपका स्वास्थ्य जो है, आपका शरीर जो है, वो बाधा कभी नहीं बनेगा. ये बहुत शानदार बल्लेबाजी आपने की है. तो कई ऐसे पुरोधा हैं जिन्होंने अपना शानदार प्रदर्शन किया, तो उनको भी हम चाहेंगे कि कुछ ना कुछ सम्मान के साथ यहाँ पर भेजा जाए. तो जो बैट्समैन रहे टी टेन के जो बैट्समैन हैं जोरदार तालियों से, उसमें आनंद बडोनी जी हमारे बीच हैं. तो आनंद बडोनी जी T20 के बेस्ट बैट्समैन, T20 के बैट्समैन हैं सन्नी ठाकुर. सन्नी हमारे बीच हैं, आइए, बहुत शानदार मत है. T10 के जो बेस्ट बैट्समैन हमारे बीच हैं वो क्षमा कीजिए, T10 के बेस्ट बॉलर और मेरे बगल में ही खड़े हैं, मैं दूर बुलाने नहीं जाऊँगा, कृपा करके आए संदीप गुप्ता जी, शानदार आपका. और T20 के जो है बेस्ट बॉलर जो हैं, शानदार नाम भी है, बहुत अच्छी गेंदबाजी भी की है, दलजीत जी हम यहाँ पर. और
जो मैन ऑफ द मैच T10, ये थोड़ा सा मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर है, तो मैन ऑफ द मैच T10 भले वो हमारे बीच उपस्थित नहीं है, तो हम चाहेंगे अवनीश वर्मा जी के लिए जोरदार तालियों से स्वागत है। और अच्छा, अगर आप चाहें उनके स्थान पर अगर राकेश जी अगर आप आगे उनका सम्मान ले लें तो हमारे लिए बहुत प्रसन्नता होगी। एक बार जोरदार तालियां अवनीश भाई के लिए। रवि जी ने जो इसको स्पॉन्सर किया है कार्यक्रम, और अब तो मेरे ख्याल से मुझे बताने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी T20 के जो बेस्ट बैट्समैन है, बिना कहे ही आप आ जाए रवि भाई। मैन ऑफ द मैच हमारे शानदार प्रदर्शन आपका। संदीप गुप्ता जी आप यहाँ से मिलेंगे, और ये रवि बिजी ने दिया है T10 का। आप ये अब हमारे संदीप जी इतने खुश हो, कहना कि मैं ही ले लेता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं आई। और T20 के विनर उनको T20 के कप्तान कृपया रवि जी और सभी, और ये किरण सिंह जो है उन्होंने ये स्पॉन्सर किया है, कृपया करके आप आए। और मनीष जी आप एक बार और कुछ देना चाहेंगे, कृपया करके, ये प्रेम है, ये सम्मान है, ये आपको देना चाहता हूँ अपने हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है। और अब जिस चीज़ का हमें इंतजार है, ये शानदार ट्रॉफी ऑब्जेक्ट जो है ये हम यहाँ पर देना चाहेंगे। 3 लाख रुपए का चेक हम चाहेंगे मनीष जी और आपका परिवार, अगर आप सभी लोग आएंगे हमें बहुत प्रसन्नता होगी। ये हमारा प्यार, आप सबका प्यार, आप सबकी तरफ से हमारे माननीय द्वारा मनीष गुरुंग की फैमिली को। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.